नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धर्म दुबे। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात इस वजह से है क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह साहब का आखिरकार बोलबम सॉन्ग रिलीज हो ही गया है। और खास बात यह है कि चंद घंटों पहले रिलीज हुआ ये गाना लगातार इतना ज्यादा देखा जा रहा है कि व्यूज के मामले में धड़ाधड़ एंट्री हो रही है। क्या कुछ पूरी अपडेट है, क्या कुछ पूरी डिटेल है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये गाना चल क्यों रहा है, इतने कम समय में इतने ज्यादा व्यूज क्यों आ रहे हैं। मैंने इस बोलबम सॉन्ग को कम से कम 3 बार देखा और 3 बार देखने के बाद मुझे जो 3 से 4 बहुत ही आकर्षित चीजें पवन सिंह साहब के इस गाने में लगी है वो मैं आपको यहां पर जरूर बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पवन सिंह साहब अपने जिस हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, वो है उनका डांस स्टाइल। जी हां, उनका डांस स्टेप जो हाथ ऊपर करके अपना कमर हिलाते हैं, वो स्टेप बहुत जल्द ही हर अपने गाने में नहीं करते हैं। लेकिन इस बोलबम सॉन्ग में पवन सिंह ने अपना स्टेप्स किया है जहां पर ही सभी अपना दिल हार गए हैं, और उस स्टेप को देखने के बाद ही तुरंत ही उंगली व्यूज पर जाकर दब जाती है, लाइक पर जाकर दब जाती है, और कमेंट भी लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं। पवन सिंह साहब ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना फेवरेट, आपका हमारा सबका फेवरेट स्टेप जो है, खुद वाला स्टेप जो है, इस गाने में पवन सिंह साहब ने किया है। ये उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक ड्रेसिंग स्टाइल उनकी बहुत अच्छी लगी है। दूसरी जो सबसे अहम बात मुझे लगी कि एक ड्रेस उन्होंने ऐसी भी पहनी है कि ऊपर भगवा कलर का शर्ट पहना है, नीचे सफेद कलर की धोती पहनी है। कहीं ना कहीं साउथ इंडियन स्टाइल टच आ रहा है। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत उस समय पवन सिंह साहब लग रहे हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि इस गाने की जो सबसे हाई क्वालिटी है वो ये कि 3 बार कपड़े बदले गए हैं, जबकि समय नहीं होता है भोजपुरी एल्बम्स में इतने ज्यादा अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर। लेकिन एक नहीं बल्कि 3 बार सिर्फ पवन सिंह साहब का ही नहीं बल्कि इस एल्बम में पवन सिंह साहब के साथ जो अभिनेत्री थिरक रही हैं, जिनका नाम जो है जिया रॉय है, इन तीनों का ही 3 कपड़े चेंज किए हैं, तीनों ने 3 कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं, वो सबसे बड़ा आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। आपको बताएं कि पहले स्टेप में सफेद कलर की टी शर्ट पवन सिंह साहब ने पहनी है, शंकर भगवान की छवि छपी हुई है, सफेद कलर का पैंट पहना हुआ है और भगवे कलर का गमछा पवन सिंह साहब ने रखा था। दूसरा जो उनका लुक हमने देखा उसमें भगवे कलर का शर्ट पहन रखा है और सफेद कलर की धोती पहन रखी है, जबकि तीसरा हमने पवन सिंह साहब का जो लुक देखा उसमें उन्होंने बकायदा पजामा कुर्ता पहना हुआ, वो भी पीले कलर का वस्त्र धारण किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रावण का महीना है और बोलबम सॉन्ग की धुआंधार पारी अब भोजपुरी के कलाकार सिंगर सब खेलने शुरू कर चुके हैं, और पवन सिंह के इस गाने का बेसब्री से इंतजार तब से था जब से इस गाने का टीजर रिलीज किया गया था। आखिरकार गाना रिलीज हो गया है। और भी कुछ खास बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं चाहता हूं कि मैं आप तक पहुंचाऊं। इन सारी चीजों को हटकर देखा जाए तो पवन सिंह साहब की जो आवाज है, आवाज वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा दीवाना बना रही है सॉन्ग के जरिए। और एक खास बात इस सॉन्ग से ये भी है कि जितने भी कावर लेकर शंकर भगवान के भक्त जाएंगे वो सभी इस गाने को बकायदा बजाकर डांस कर सकते हैं, क्योंकि डांसिंग स्टाइल का ये सॉन्ग बनाया हुआ है और इस पर डांस आप आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे खूबसूरत चीज लगी वो है जिया रॉय के साथ पवन सिंह साहब की केमिस्ट्री। जब जब दोनों साथ आए बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे, बहुत ज्यादा डैशिंग लगे। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि पवन जी इतनी खूबसूरत अभिनेत्री अपने बॉलीवुड की मॉडल अपने इस गाने में ली है तो बोलबम सॉन्ग ही क्यों ना जिया रॉय के साथ कहीं ना कहीं एक लोक गीत लाया जाए, एक परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा वाला डांसिंग स्टाइल में किया जाए जिस तरीके के आपके सॉन्ग आते हैं। क्योंकि जिया रॉय की जो हमने सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके वीडियोस और तस्वीरें देखी हैं बहुत ज्यादा हॉट लगती हैं और काफी अच्छे अच्छे गाने भी उन्होंने बॉलीवुड के लिए किए हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये डिमांड है, मैं ये ऐसा चाह रहा हूं कि आप जिया रॉय के साथ एक लोक गीत भी ले आए। और जो सबसे खास बात इस गाने की देखी जा रही है दोस्तों वो ये कि रवि पंडित का निर्देशन, रवि पंडित जो पुदीना सॉन्ग से पवन सिंह साहब के साथ बहुत ज्यादा प्रचलित हुए, हालांकि एज ए डायरेक्टर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन जब से पुदीना में उन्होंने पुदीना का किरदार निभाया तब से वो बहुत ज्यादा चर्चित हो गए हैं। स्पेशली मुंबई पधारे हुए हैं रवि पंडित और इस गाने में बहुत ज्यादा काम पवन सिंह साहब के साथ किया है। निर्देशन उनका बहुत ही एकदम उंदा है, बड़ा मजा आ गया है इस पूरे गाने को देख के। अब गाने की थोड़ी सी हम डिटेल तक भी पहुंच जाएं दोस्तों, आपको बताएं कि शुभ लाभ फिल्म्स कंपनी के बैनर तले इस गाने को रिलीज किया गया है। रिलीज होते ही अब तक 13 लाख व्यूज आ चुके हैं। हालांकि बहुत लोग चौंक गए हैं कि अचानक से इतने ज्यादा व्यूज कैसे, 1 मिलियन चंद मिनटों में कैसे खत्म हो गया। अब ये टेक्निकल चीजें हैं और इसमें बहुत ज्यादा हुस्न कहीं ना कहीं खराबी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
लोग देख रहे हैं तभी व्यूज के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लाइक आ गया दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा लाइक आ चुका है और अब तो कई लोग रील भी बना बना के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुके हैं। अब तक 42,000 कमेंट्स पवन सिंह साहब के इस गाने पर आ गया है। आपको बताया शिवाला पर सोमारी टाइटल नाम है इस गाने का, पवन सिंह साहब की आवाज है, जिया रॉय को फिट किया गया है इसमें। रोशन सिंह विश्वास जी ने लिखा है जबकि म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रियांशु सिंह, वीडियो डायरेक्टर हैं रवि पंडित, कोरियोग्राफ किया है राहुल यादव ने, कोलाबरेशन अमित सिंह के साथ है, कॉन्सेप्ट दीपक सिंह जी का है और स्पेशल शुक्रिया यहां पर विक्की सिंह कोलकाता को दिया गया है। मैनेज बाय इंस्पायर म्यूजिक यानी अमित सिंह जी के बैनर तले इसको मैनेज किया गया है और शुभ लाभ फिल्म्स कंपनी के तहत इस गाने को रिलीज किया गया है। दोस्तों इस हफ्ते पवन सिंह का एक नहीं बल्कि 2 बोलबम सॉन्ग जो है माफ करिएगा आने वाले हफ्ते और भी रिलीज किया जाएगा, तब तक के लिए बेसब्री बड़ा इंतजार। और पवन सिंह साहब का ये गाना शिवाला पसोमारी आपको कितना ज्यादा पसंद आया है, आप भी मेरी तरह इस गाने के बहुत बड़े फैन हो चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।